नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। भोपाल और इंदौर समेत 41 जिलों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इन नेताओं ने वायरल एक पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके आधार पर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर 50% कमीशन वाली सरकार होने का आरोप लगाया है। एडवोकेट निमेश पाठक, मैं भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ इंदौर महानगर का संयोजक। हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सभी महानगर पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव व कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल्स के सभी जिला पदाधिकारी पूरे प्रदेश के, उनके विरुद्ध यहाँ पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आवेदन देने आए हैं। हमारी शिकायत है कि विगत दिनांक 25 जुलाई का एक पत्र कांग्रेस द्वारा सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। सोशल मीडिया ट्विटर साइट पर प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव व अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा एक पोस्ट और एक लेटर वायरल किया जा रहा है, जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार में कोई भी कार्य ठेकेदारों का बिना 50% के कमीशन के नहीं होता है। उन्होंने ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के व्यक्ति का एक 25 जुलाई का लेटर भी वो वायरल कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा कोई ज्ञानेंद्र अवस्थी नामक व्यक्ति है ही नहीं। अगर होता तो कांग्रेस लेटर वायरल करने की बजाय उसे सामने ले आती, तो वो जनता में भ्रम फैलाने के लिए, भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश शासन की अधिकारियों की छवि धूमिल करने के लिए इस प्रकार का भ्रामक काम कर रहे हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम कुछ लोग उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा बताया गया कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा सोशल मीडिया में कुछ भ्रामक जानकारी डाली गई है, तो उस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। जो वस्तु स्थिति है, जो सोशल मीडिया में जो चीज़ें डाली गई हैं, हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, उससे सारे तथ्य निकाले जाएंगे। जो लीगल कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।